सुना रहा हूँ। हाँ उठा दी। हाँ मरसिया सुना रहे थे ना? उसके जब इब्ने बतूर आप पढ़ो जो पढ़ते पढ़ो यहाँ है ना पहले फर्स्ट मैच है 105 सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़िक्रे गमे हुसैन से महफिल सजी रही गुल हो गया चरा मगर रोशनी गुल हो गया चरा मगर रोशनी अकबर के बाद जीस्त में क्या दिलकशी रही लैला उम्रे लैला तमा अश्के गमे हुसैन का टूटा न सिलसिला خیمِ فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباسِ نامدار عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب زینب سپنے بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسی قیامت رکھی اللہ جانے جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پا وہ محجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف عالم شہ کہیں گرا چلائی چلائی فاطمہ کے میرا کٹتا ہے کوئی دم میں سر
उस नौजवान का मिटता है अब नशान, मिटता है अब नशान। सुनते ही इस सदा के शहंशाह बहरोबार दौड़े गिरे उठे न संभाला गया जिगार। कांपे जो पाँव थान लिया बाजुए पिसार। चिल्ला दे कावल, चिल्ला दे थे कावली अकबर। मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से। बेटा मिला, बेटा मिला तो जल अकबर उजड़ गया मेरा गरबा, अकबर उजड़ गया मेरा गरबा। सीधी ना होगी अब ये, सीधी ना होगी अब ये। है आज ताजा दागे पिदरवा मुसीबता। काटा गया, काटा गया छुरी से जिगर। पुरसा तो दो नजफ की तरफ मुँह को मोड़ दो। सर पीट, सर पीटता चलूंगा। अकबर करीबे लाजो लाए हुसैन को। अब्बास जा बलब नजर आए हुसैन को। तड़पा वो शेर सुन के सदाए हुसैन को। अकबर ने, अकबर ने हाथ उठा दो को गम के दिल पर जो एक बार गिर पड़े। पहलू में लाश, पहलू में लाश की छाया। एक बार गसे चौके अब्बास ज़िवकार और जाकनी में आँखों को खोला बहाल जार। पूछा किधर हो आए मेरे आकाए नामदार। हजरत लिपट, हजरत लिपट के भाई। सदमे है जा कनी से फुजो इस जुदाई के। भाई का दाग, भाई का दाग पूछेगा। भाई तुम्हारी बाली सकीना जिगर फिगार। बच्चों से कह रही है ये बाचश में आश्क बार। एक लहजा और सब्र करो तुम पमय निसार। देखो के जा, देखो के जा बलब मेरा। प्यासी हूँ मैं भी तीन दिन और तीन रात से। अब पानी ला, अब पानी ला देंगे हम। है कुछ वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम। उनमें से एक ये के तसद्दुक हो जाम गुलाम। साहिल से लाश उठ के ना जाए सुए कयाम। जिस जा पड़ाओ कब्र का भी हो।
सर के नकानदार इमाम दिलेर का मस्कन रहे तराई में ये कह के डाल दी तने पुरनूर पर अबार फरमाया अब तो शाद हुए तुम पर मैं फिदा ये किलाते अकीर है ऐ मेरे दिल रुबा इसको अभी लौट इसको भी लौट लेंगे मगर छिन जाएगी रिदाए भी सिजदे में सरनंगे सरनंगे बेवे निकलेगी ये सुन के पाए शाकी जानिब झुकाया सर कांपे लहू भरी हुई आँखों को खोल कर टपके मिजा से खून के खतरे इधर उधर किसिया से हुसैन बकिया मन का जरी का ढल गया भाई के सामने भाई का दम निकल गया सलवात पैदा हुआ था समहसन के वास्ते और बना कलश और बना कलश बनने लगा कंगला तो हाथ ने कहा दस्त कुबरा में जगा दस्त कुबरा खलते शाहान खासिम को पिन्हाया जिस घड़ी को नौशारण में आए फल छुपाने को नचा मुझ पाने से मिलने को शबर कला रोती थी सर को जहालों पर रखे मैं जबी सर सच में से दिल थाम कर सु
बबरा निगाह की ये दर्द उठा के बैठे आगे रहकर दुल्हन के माथे पर हाथ अपना यूं कहा सर को उठाओ रोतियो क्यों तुम पर मैं फिदा साहेब तुम्हारे बाप ने तो हमको जी रिजा दो तो तुम भी साल पर वल्ला जा मैं मुखिया इब्ने हसन बातों में खोला बगत मगर खुफले दहन आया थी ना बोली वाला घगर दूल्हा ने जब के रख दिया झुक कर कदम पसर पल में दिया बंडे लगा पालू में दिया बंडे लगा घूंघट में आफ्ताब सहा आकर बहा के अश्के ये बोली वरश के माँ लुटते हैं बचपने में कहे क्या जुबानस्या छोड़ा जब आपने तो हमारा कहानी बाकी किस्मत में था बस दिल उठा के कब्र को आबाद कीजिए जो आपकी चचाज में सफर भाई गला कटाने पर बांधे हुए कमर जल्दी तुम्हें के पहले हम ही हो वे कुमे तर ढूंढो बता जवाब पाऊं पा क्यों सर झुकाते हो एक रात के आते हो कब्बा के अश्क आँखों से बोला वो जवान लो अम्मा जान खाल के अकबर निका खबा जबरन से आए लाश मजरूह कौन चका इस तरह के रोए तो आंसू पहुँच के समझायो ने अम्मा मारी लाश दिखलायो अम्मा मारी लाश दिखलायो ओ ने यार
दिल भरे असले सजपो पार चारो तरफ तेरों के पोचा जो पार दिल फसला का जख्म है पहलू पदोज पार नामोज में कयामते कुबरा हुए पपा वाकद मर जाने लगे वाकद मर जन्म जाने लगे दुल्हन को थाम के बानो ये खुश के साल मीठे भरे दिमाग में कुबरा का था ये हाल मैले दे जलोड़ के जख्म सब दे पाँच पाँच के मिला मिला दिया रोज
उसको बल मिला। दुल्हन ने दूल्हा के जख्म पके नजार खापा कले जास को बे शखवाजगार खदमों के सिंत झुके बोले वो ना गा कत्ल किया नर पसखाए हरम को भाई का दिया दाग शंशाय माम को पानी ना दिया प्यास में उस बरे करम को दाजर गया भाग दिखा आशोर गया भाग दिखा नया को जिगर बंद दुल्ला कुमारा अब्बास को क्या बंद गया चा कुमार अब्बास को क्या बंद गया चा कुमार देखा स्वयं कोई नहीं हम दमोयावर पाएंगे काय सवफादार बरादर बराय कयार जुवे सिपते पयंबा जल्दी मेरी गर्दन पर चले जुल्म का जल्दी मेरी गर्दन पर चले जुल्म का दुश्मन पबिए आलमे तनहा इना हो वे जीने का मजाक आगे जब आए जीने का मजाक आगे जब आए ना ये कह के तड़पने लगे सुल्ताने दुआलाम बरपा था जब कैम शबीर में माता चिल्लाती थी जैनब के जिगर फटता है उस दाम भाई के लम्बे न जिएंगे भाई के लम्बे न जिएंगे शेर पानी ना मिला मर गए वो खुमे नहाकर मैं रोंगे अल्लाह से बस मैं रोंगे अल्लाह से बस बजा नागा नजर आया उन्हें लाश अब्बास चिल्ला के कहा हम हो गए बेआस पहुंचेंगे ना तुम तक यही था भाई को वसवा अब कौन बुझाएगा सगीना अब कौन बुझाएगा सगीना की भला प्या हाथों के तसद्दुक तने सदपाश के सदके ऐ जाने बरादर में तेरी लाश ऐ जाने बरादर में तेरी लाश के साथ आँखों को जरा खोलो तो खुर्बान भाई
खैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आई, क्यों रेत में ये चांसी सूरत छुपाई। सर पीट के दब कहने लगी सर पीट के दब कहने लगी शाग जाए, हाय हाय मुझे सूरत नहीं दिखला ते हयाम मैं प्यासी रे इसलिए शर्मा, मैं प्यासी रे इसलिए शर्मा ते हयाम। अल्लाह के हबीब का यारो बीब एक दम में दम निकलता है, आ बना करे कलमा गो मैं उसका नवासा बने पानी बिला हुसैन के एक जलजला बगजमी के लिए आजमाइला नागा फातिमा जहरा किए सदा वक्ते नमाज बिना देखा गया तिफली में जो किया था वो वादा वफा करो झुकार जाए जिस दम सुनी उसने जहरा किए सदा खौफ खुदा से कांप गए जज़दा बाबा अश्का के फर्श से गिरे वा मुसीबत हर मुझे निकलने लगे सजदे में सरता ध्यान दाजगार साज बार रोते देशा जगरगास उस दम लईने दूर से देखा ये माजरा उम्र लय को पास बुला कर ये तबाका सिद्धे रसूल खाक पा बेहोश पड़ा जख्म
मासे चोर तन अथर सैन का जल जग ये मुजदा सुन के आ गया लाल उसमें वो खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दे छाती पास जानू रखे चढ़ाए जो आज दे दनुरे नूरे जन्म गले बाजे परमाया शेने कौन तू ऐसी तमाशार क्यों मेरे जख्म सीने पारा गरवा सवार खंजरा मेरे गले पजो रखता है बार बार समझाएगी कदम देता है रंजरू है रिसालत बना को क्यों से भाग रहे इस पर भी कुछ ना दिल में लय के आसार आए फातिमा मैंने बड़े दुखों से मैंने बड़े दुखों से पाला हज़रत एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर मीर साबिर अली साहब मरहूम बानी अंजुमन मासूमीन जनाब मीर अहमद अली साहब मरहूम और हसन अली मरहूम मोमिन अली वहलिया शाकिर अली इब्ने अकबर अली मरहूमिन की अरवाह को ईसाल फरमाते
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات الله عليه. ارباب گرام قدر، قرآن مجید کی یہ آیت جس کا ترجمہ صرف ان بچوں کے لیے دہرانا ضروری ہے، بزرگان واقف ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ترجمہ یہ ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس آیت کو اس لیے بھی پڑھتا رہے اور یاد رکھے کہ اسے ایک دن مرنا ہے. موت کے حوالے سے یہ آیت ہے. قرآن مجید میں یہ آیت موت کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ جس میں ہر ایک کے لیے، ہر کیٹیگری کے انسان کے لیے، ہر جی روح کے لیے وضاحت کر دی گئی، اور دوسری آیت جو بڑی مشہور ہے موت کے حوالے سے وہ بھی آپ کے علم میں ہے: کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ دو آیتیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی ان دونوں آیات کی جو صحیح تفسیر ہے، جو واقعی تفسیر ہے، اس کا تعلق کربلا سے. پہلی آیت جس کو میں نے عنوان بنایا انا للہ، جسے ہم کلمہ استرجاع، اکثر یہ بچے ذاکرین سے سنتے ہوں گے کہ کلمہ استرجاع، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک آیت، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ان دونوں آیتوں کی واقعی تفسیر اور حقیقی تفسیر کربلا میں ملی جا کر. پہلی آیت کی تفسیر شہزادے ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام نے کی. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ السلام.
और दूसरी आयत कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसकी तफसीर हम शबी है हजरत मुर्तज़ा शहजादे जनाब कासिम ने की। ये दो आयतें जो बड़ी वाज़ेह हैं मौत के ताल्लुक से क़ुरान मजीद की, इन दोनों की तफसीर करबला। पहली तफसीर जो शहजादे अली अकबर ने की वो किस तरह से, तफसीलात नहीं पढ़ूंगा, इशारा दूंगा ताकि आपके इल्म में मुकम्मल बात रहे। करबला पहुंचने से कबल आखिरी जो क़याम इमाम का है, वहाँ एक मर्तबा इमाम मज़लूम ख़्वाब से उठे और ज़बान अक़दस पर कलमाए इस्तिरजा था, यानी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ। इमाम के नज़दीक जनाब अली अकबर तशरीफ़ फरमा थे, कहने लगे बाबा इस वक्त इस कलमाए इस्तिरजा का क्या महल, क्यों आपने ये आए करीमा तिलावत फरमाई? तो इमाम ने फरमाया कि बेटा अभी ख्वाब में कोई कह रहा था कि यह काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से मैंने ये कलमा इस्तिरजा ज़बान पर जारी किया। जैसे ही इमाम ने यह फरमाया, शहजादे ने फरमाया कि बाबा हम हक हैं, हमें क्या परवाह, मौत हमारी तरफ आए या हम मौत की तरफ जाएं, अगर मौत हक है बर हक है, लफ्ज को समझने की जरूरत है, मौत हक नहीं है, मौत बर हक है, हक मोहम्मद और आले मोहम्मद है, सलावात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये अगर हक है तो हम तो हक पर हैं। और दूसरी आयत की जो तफसीर शहजादे कासिम ने की, वो जब इमाम ने अपने असहाब की आजमाइश फरमा ली और महजर शहदा बयान फरमा लिया कि किन किन लोगों को कल शहीद होना है, तो इम्तिहानन शहजादे कासिम का नाम रोका गया। शहजादे कासिम ने इमाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि बाबा दो बातें, ऐ चचा जान मुझे दो बातें पूछनी, पहली बात तो ये कि आपने महजर शहदा में मेरे भाई अली असगर का नाम जिक्र किया है, तो क्या इन मलाइन की इतनी जुरत हो जाएगी कि ये खैमों में जाकर मेरे शशमाहे भाई अली असगर को कत्ल करेंगे? इमाम ने पूरी तफसील बयान। दूसरी बात, चचा जान मेरा नाम महजर शहादत में नहीं है। तो इमाम ने सवाल किया, क्यों सवाल किया? इसीलिए सवाल किया ताकि इस आयत की तफसीर वाकई मिल जाए दुनिया को, क्योंकि कहा तो बहुत जाता था और पढ़ा भी बहुत जाता था, बयान भी बहुत होता था कि मौत का जायका, लेकिन किसी ने बयान नहीं किया था कि मौत का जायका क्या है। कभी किसी ने इतनी वजाहत के साथ यह बयान नहीं किया था कि मौत का जायका क्या है। अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मैदान सिफीन में मालिक अश्तर के सवाल पर इमाम ने सिर्फ इतना फरमाया था,
कि उसी तरह से मानूस हूँ कि जैसे बच्चा माँ के शीर से मानूस होता है। लेकिन तफसीर कुल्ली के जो सारी दुनिया को समझ में आ जाए कि मौत का जायका क्या है, अभी भी रह जाती थी। और ये काम इमाम ने शाहजादे कासिम के जिम्मे रखा था। तवज्जो है ना जी जाने ग्रामी, कि यहां ये खानदान रसालत है, यहां बच्चे भी कुरान की हकीकी तफसीर बन जाते हैं। इमाम ने सवाल किया, कैफल मौत या बुनई, जब पूछा ना कि चचा मेरा नाम महजर शुहदा में नहीं है, तो इमाम ने सवाल किया, कैफल मौत इंदक या बुनई, ऐ मेरे बच्चे, ऐ कासिम, ऐ मेरे लाल, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? जब किसी से किसी चीज का जायका पूछना होता है ना, तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैसी है? तो इमाम ने कासिम से पूछा, शाहजादे से पूछा, कैफल मौत इंदक या बनाई, ऐ मेरे लाल, मौत तेरे नजदीक कैसी? तब शाहजादे ने तफसीर की है उस जायके की, फरमाया, अल मौत अहला मिन अल असल इंदी, ऐ चचा मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है, शहद से ज्यादा शीरी है। किसी ने ना बताया था कि मौत शीरी होती, दुनिया मौत को कड़वी जानती थी, लेकिन कासिम ने दुनिया पर यह वाज़ह कर दिया कि अगर इंसान हक पर हो तो फिर मौत कड़वी नहीं होती, मौत शीरी होती। ये तो तफसीर थी दो आयतों की, लेकिन सारी दुनिया मौत के मुकाबले दो रिएक्शन भी पेश करती, उन दोनों को भी वजाहत की जरूरत थी। पहली चीज जिसकी वजाहत जरूरी थी वो ये थी कि लोग मौत का नाम सुनकर, मौत को सामने देखकर घबरा जाते थे, रो देते थे, इसकी वजाहत भी जरूरी थी। दूसरी ये कि लोग ये समझते थे कि अगर कत्ल कर दिया जाए तो गोया मौत वाक़े हो जाती है, हयात खत्म हो जाती है, इसकी भी वजाहत जरूरी थी। और इन दोनों चीज़ों की वजाहत आखिरी दो शहीदों ने, शाहजादे अली असगर ने तीर सह शोभा को आता हुआ देख लबों पर तबस्सुम सजा के दुनिया को यह बताया कि तुम और हो जो मौत के सामने रो देते हो, हम और हैं जो मौत के सामने भी मुस्कुराते हैं। सलावात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब एक और, मुझे तफसीलात में नहीं जाना, मसाइब पढ़ना उसी के लिए आपके जहनों को आमादा किया, मजालिस की कसरत, इससे ज्यादा और तफसील नहीं बयान हो सकती। अब एक और अमल बाकी रह गया था, दुनिया यही समझती थी कि किसी को कत्ल कर दिया जाए तो गोया उसकी हयात मुनकता हो गई, रोक दी गई। लेकिन हयात कत्ल होने से रुक जाती है, इसकी वजाहत जरूरी थी। इमाम ने नोके, इमाम का सरे बुरीदे अकदस नोके नैदा पर बुलंद होकर सूरह अस्हाब कहफ की आयात की तिलावत करके दुनिया पर यह वाज़ह करना चाहता था कि दुनिया कत्ल होने से मरती होगी लेकिन मौत हमारी हयात को खत्म नहीं कर सकती। ये थे कुछ वो अमली और वाकई तफसीर कुरान की, आयात की और
दुनिया के मौत के मुकाबले रिएक्शन की जायका कासिम ने बता दिया कि मौत हमारे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है। अजीब व गरीब फकरा है अज़ीज़ान गिरामी, कभी वक्त हुआ तो इस पर गुफ्तगू करें। क्यों शहद से ज़्यादा शीरी क्यों कहा, किसी और शीरीनी का नाम लिया जा सकता था, एक अलग तफसीर। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये फकरा और इसका यानी ये जो फकरा जनाब कासिम ने अपनी ज़बान अक़दस पर जारी किया अल मौत अहला मिन अल असल, तो उस वक्त जो तेवर थे जनाब कासिम के वाली का वही तेवर था जब मालिक अश्तर के सवाल के जवाब में सिफीन में था, मौत के मुतालिक जब सवाल किया था। और इसीलिए जिस तरह से ख़ानदान रसालत में जनाब अली अकबर को हम शबीह पैगंबर कहा जाता, उसी तरह से ख़ानदान रसालत में शहज़ादे कासिम को हम शबीह अली मुर्तदा कहा जाता था। इसकी एक मिसाल उस वक्त की भी है कि जब जनाब कासिम हमला आवर हैं तो उस वक्त अफवाज यजीद में से एक शख्स ने सवाल किया कि कासिम जिस्म पर आपके ज़रा नहीं है, ज़रा जो तलवारों के वार को रोकती है लोहे की, ज़रा नहीं है आपके जिस्म अक़दस पर, आपके जिस्म पर आपने ज़रा नहीं पहनी, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो पता है क्या जवाब दिया शहजादे ने, कहे शख्स क्या तू नहीं जानता कि मेरे दादा ने कभी किसी जंग में जिस्म पर ज़रा नहीं रखी। यह है शबीह मुर्तदा, मेरे दादा नहीं रखते थे, मैंने भी जिस्म पर ज़रा नहीं रखी। ये शजात जनाब कासिम का आलम है। करबला में सुबह आशूर से जो भी इमाम से इजाज़त लेता था उसे इजाज़त मिल जाती थी, कुछ देर के बाद सही लेकिन इजाज़त मिल जाती थी। कासिम वो अकेले शहीद हैं कि जिनको कई मरतबा इमाम ने रोक दिया, वरना सुबह आशूर से कासिम इस बात के कोशा थे कि उन्हें मैदान में जाने की इजाजत मिल जाए। लेकिन जब भी जाते इजाजत मांगते इमाम करीब बुलाते और बुलाकर सीने से लगाकर गिरिया करते और एक फकरा कहकर कि तू मेरे भैया की निशानी है रोक देते। कि एक मरतबा जनाब कासिम तनाब खैमा से टेक लगाकर बैठे हुए अफसरदगी के आलम में अपने बाबा को याद करते, कि एक मरतबा ख्याल आता है कि बाबा ने एक तावीज बांधा था, जल्दी जल्दी उस तावीज को खोला और लिए हुए इमाम की खिदमत में आए और लाकर अब जबान से कुछ नहीं कहते चचा के सामने पेश करते। इमाम ने जैसे ही भाई की तहरीर देखी आंखों में भाई की तस्वीर गूंजी। मक्तल के ये फकरे हैं कि इमाम उठे अपने मकाम से और आगे बढ़ के कासिम को सीने से लगाया और इतना गिरिया किया इमाम ने कि इमाम को गश आ गया। बहुत रोएंगे अज़ादारों, चंद ही जुमले मसाइब के मैं बयान करूंगा, आपको खुद गिरिया कर लेना है, कहीं ऐसा ना रहे कि जनाबे उम्मे फरवा को
हमारे गिरिये में कमी की कोई शिकायत रह जाए कि उनके लाल के मसाइब पर गिरिया में कहीं से कमी रह गई। गश्य वाके के बाद इमाम कासिम का बाजुल थामते हैं, खैमे में आते हैं और एक मर्तबा जैनब को आवाज देते हैं। भैया की आवाज सुनकर तेजी से जैनब करीब आई, भाई ने बहन को लिया, हुजरे के गोशे में आए, भाई बहन में क्या गुफ्तगू हुई उसकी तफसीलात नहीं मुमकिन है, लेकिन एक फकरा जरूर बयान करना चाहता हूं। क्या भी गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक मर्तबा जैनब चीख मार कर रोई, हाय मेरी कुबरा, जज़ाकुम अल्लाह। फिर उसके बाद जैनब ने संदूक से एक मसनद निकाली, मसनद बिछाया, कासिम को बिठाया, वसीयत पर अमल किया गया। अभी ये महफिल बर्खास्त न हुई थी कि एक मर्तबा दुश्मनों की जानिब से एक आवाज आई, अय हुसैन अब तुम्हारे पास जानिसारों के दफ्तर में कोई जानिसार बाकी नहीं रहा। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा कासिम नेजा टेक के उठे, ए चचा जान अरे अब हमें न रोकिएगा। कासिम तेजी से खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन एक मर्तबा किसी ने अबा का दामन थामा। कासिम ने पलट कर देखा, कहा मुझे न रोकना, कहा मैं तुम्हें नहीं रोकती, जरूर जाओ, लेकिन जाते जाते अपनी कोई निशानी हमें देकर जाओ। आस्तीन का एक टुकड़ा कासिम ने कुबरा के हवाले किया और एक मर्तबा खैमों से बरामद हुए। जनाब अब्बास के शागिर्द थे ना, तो जनाब अब्बास ने आगोश में लेकर कासिम को पुश्त फरस पर सवार किया। कासिम तेजी से मैदान कताल में आए। हम सभी है अली मुर्तदा है, जो भी कासिम के मुकाबले में आता एक ही वार में उसके दो टुकड़े कर देते। फौज शाम में एक शख्स था, दो जुमले शजात जनाब कासिम से मैं जरूर बयान करूंगा कि फौज शाम में अरज़क शामी नाम का एक शख्स था जिसकी बहादुरी अमर इब्ने अब्दाउद के मुकाबिल की जाती थी। लोग उसको अमर इब्ने अब्दाउद के मुकाबिल कहा करते थे। अमर इब्ने अब्दाउद वो कि जिसको एक वार में अली ने दो टुकड़े किए थे। एक मर्तबा पिसर साद ने जब कासिम की शजाअत को देखा तो कहता है कि अर्ज़ख ये हम सभी ये अली मुर्तदा है, इससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अब तुझे जाना होगा। उसने कहा ए अमीर, तूने मेरी तौहीन कर दी, मेरी शजाअत के चर्चे तुझे नहीं मालूम और तू मुझे इस बच्चे के मुकाबले भेजना चाहता है, इसके लिए तो मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने अपने छोटे बेटों को भेजा, एक बार दो टुकड़े, दूसरे बेटे को भेजा, एक बार दो टुकड़े, अर्जक शामी के चार बेटे आए। चारों बेटों को मक्तल के फकरे हैं कि दूसरी जर्ब नहीं लगाई, एक ही जर्ब में दो टुकड़े किए जनाब कासिम ने। क्यों? इसलिए कि अली ने जब भी दुश्मन को कत्ल किया तो एक ही जर्ब में दो टुकड़े किए थे। हम सभी है मुर्तदा है, एक ही जर्ब में चारों बेटे अर्जक शामी के दो टुकड़े होकर जमीन पर गिरे। एक मर्तबा बेटों के इंतकाम की आग उसकी आंखों में उठा और तेजी से कासिम पर हमला आवर हुआ। लेकिन मक्तल का फकरा है कि जिस तरह से अमर इब्ने अब्दाउद एक ही वार में जमीन पर दो टुकड़े होकर गिरा, कासिम ने एक ही जर्ब लगाई और अर्जक शामी जमीन पर दो टुकड़े। बस एक मर्तबा अर्जक शामी का कत्ल हो जाना कि फौज शाम में बदहवासी छा गई,
फौज शाम बदहवास हो गई, उसकी शजाअत के चर्चे थे, इसलिए फौज शाम बदहवासी का शिकार हुई। बिसर साद ने घबरा कर आवाज दिया, अरे ये बनी हाशिम है, इससे कोई एक एक करके मुकाबला नहीं कर सकता, सब मिलकर के घेरो कासिम को, सारे मिलकर हमला करें। एक मर्तबा चारों तरफ से कासिम पर घेराबंदी हुई, किसी ने तलवार चलाया, किसी ने लहजा मारा, किसी ने भाला मारा। सुनो ग्यादादारो, कासिम दरमियान में है, चारों तरफ से नरगयादा, 3 दिन का भूखा और प्यासा कासिम, हमलों पर हमले होते रहे। एक मर्तबा पैरों से रकाब निकली, कासिम चश्मा ठीक करने के लिए झुके, एक ऐसी जर्ब पड़ी कि कासिम पुष्ट वरस से जमीन की तरफ आए, आवाज दिया, ए अम्मा या माँ हदरिकनी, ए चचा मेरी मदद कीजिए। बस इस आवाज का आना था, अरबाब अदा आखिरी मजलिस के 2 जुमले हैं, बस इस आवाज का आना था कि एक मर्तबा खैमे की तरफ से दो खैमे की तरफ से अब्बास चले, हुसैन चले। इन 2 शेरों को आता हुआ जब मैदान की तरफ फौज शाम ने देखा तो घबराई हुई फौज शाम में मजीद बदहवासी छाई, इधर की उधर फौज, और कासिम का जिसमें नाजनी आया था। दारो बड़ी आसानी से आपने जुमले सुन लिए, सुबह आशूर से जो भी घोड़े से गिरता था वो हुसैन को एक मर्तबा आवाज देता था, लेकिन हाय कासिम फदाए करबला में कई बार कासिम की आवाज, वाह मादरिकनी। अब जो हुसैन कासिम के सरहाने पहुंचे, गौर से कासिम को देखा और सर पीट कर कहा, हाय मेरा कासिम, चचा के लिए बड़ा शाख है, अरे तू मदद के लिए पुकारता रहा, वाह कासिमा वाह कासिमा। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تم حسين बना के भेजा खाया।
खासी में खसदा खुदा हाफिज़,
समझाओ करते हैं वो खुदा करके है वो खुदा उदा
Oh,
का दिया को पानी न दिया प्यास में उस बरे करम को दुनिया में नहीं तुम पास जब हो माँ उदाहरण फिर तुम
हसन काला शाह पामाल हो गया है। इब्ने हसन काला शाह पामाल हो गया है। इब्ने हसन काला शाह पामाल हो गया है। टुकड़े उठाने रन में, टुकड़े उठाने रन में, शबीर के गज़ब का
सानहा हुआ है अल्लाह इस गज़ब का सानहा हुआ है मजलों में करबला का से आवाज आ रही है राम हर तरफ से आवाज आ रही है कुबरा सुहाग तेरा से फट रहा है तूने हसन का लाशा कमाल हो गया है तूने हसन का लाशा कमाल हो गया है खैमों में पीपियों के होशो हवास गुम है खैमों में पीपियों के होशो हवास गुम कलाल कासे कलाल कासे दुनिया से चल बसा है अपने हसनी कमाल हो गया है अपने हसन कलाशा कमाल हो गया है शब्बीर सर झुकाए मैयत को ला रहे हैं मोलम का तूफान उठ रहा है इब्ने हसन का लाशा था ये अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे थी तसव्वुर कलम हो गए मेरे आका ने मश्की देखो दांतों से संभाला मौला ने मश्की देखो दांतों से संभाला मौला मश्क को तीर ने छेदा मश्क को तीर ने छेदा जब मेरे कटे आए अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे जुल्म जो
मुझे के हुए हैं वो सुनाऊं कैसे। शकी गुर जैसे तमार के सर पर मेरे, शकी गुर जैसे तमार के सर पर मेरे, मुझको घोड़े से गिराया, मुझे आँखों से जख्मी करते थे लई लव की तलवारों से, करते थे लई लव की तलवारों से, अश्किया दे थे ताना, मारा मुझको नाम शहजादियों का ले के रुलाया मुझको, नाम शहजादियों का ले के रुलाया मुझको, याद आए मुझे बाबा, सलाम नलैक, शाह सलाम नलैक, शबीर शबर सलाम, शाह सलाम नलैक, जैसी सकीना सलाम, शाह सलाम नलैक, धन्य मुजाहिद सलाम, शाह सलाम नलैक, ज़ैनब कुलसुम सलाम, शाह सलाम नलैक, शियों के मौला सलाम, शाह सलाम नलैक, शाह सलाम नलैक, शाह सलाम नलैक। Oh,
बचाओ कबील करना और खौफ से जालिम के वो बेवा कलर जना देखा नहीं जाता है सकीना का तड़पना लगा
आई जाती अग खैमा में हमारे न लगाई जाती خنجر سلام جے پیغمبر سلام دلبر حیدر سلام آبد بیمار غم کرتے ہیں جھک کر سلام جے پیغمبر سلام دلبر حیدر سلام مسلم مسلم اے مولا یا حسین 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 یا
या हुसैन 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 या अली करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। मख्तल में शाह पहुंचे जब पीटते हुए सर, जब पीटते हुए सर, टुकड़े हो गया जब देखा वो खूनी मंजर, देखा वो खूनी मंजर। कासिम बने गलाशा बिखरा हुआ पड़ा है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। हसन के टुकड़े खैमे में शाह लाए, खैमे में शाह लाए। हर बीबी ने पुकारा अल्लाह आए, अल्लाह आए, आए। खैमों में शाहदी के एक हश सा बपा है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। हर शूह शोर मातम इस गम का ये असर है, इस गम का ये असर है। बेहोश है सकीना कुलसुम नाहगर है, कुलसुम अल्लाह ही जानता है। करबो बला का दूल्हा पामाल हो गया है। करबो बला का दूल्हा हो कहा भैया मेरे, ऐ अली अकबर। हो कहा भैया मेरे, ऐ अली अकबर। हो कहा भैया मेरे, ऐ अली अकबर। अली अकबर। हो
कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर, हो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर, हो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर, हो कहा भैया अली ऐ अली अकबर, हो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर। कैसी आफत आई है, बाप है ना भाई है, बाप है ना भाई है, मैं वतन पे हूँ मगर आलमे तन्हाई है, आलमे तन्हाई है, बिन तुम्हारे हो गया सुना सुना घर, वो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर, वो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर। जिंदगी तो है पार, दिल है मेरा बेकरार, दिल है मेरा बेकरार, एक कयामत बन गया अब ये तेरा इंतजार, अब ये तेरा इंतजार, चलता है खंजर मेरे दिल पे रह रह गए, वो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर, वो कहा भैया मेरे अली ऐ अली अकबर। तूने वादा था किया तुझको लेने आऊंगा, तुझको लेने आऊंगा, रात दिन आंखों में बस रहता है चेहरा तेरा, रहता है चेहरा तेरा, कब तू आखिर आएगा शबीए पैगंबर, वो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर, वो कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर। कब से मैं बीमार हूँ जीने से बेजार हूँ, जीने से बेजार हूँ, कब से मैं भैया तेरी ताले पे दीदार हूँ, ताले पे दीदार हूँ, है तमन्ना देख लो तुझको जी भर के, ओ कहा भैया मेरे ऐ अली अकबर। करबला पूछो ना हाल करबला, पूछो ना हाल करबला, पूछो ना हाल करबला, हाय कासिम जो घोड़े से गिरा सारा बदन टुकड़े हुआ, हाय सहरा बिखर कर रह गया, सहरा बिखर कर रह गया, पूछो ना हाल करबला। Say it all.
हसन के लाल का लाशा बिखर गया रन में व खसिमा Vakasima vavela, vakasima vavela, vakasima vavela, vakasima vavela, vakasima vavela, ऐसे सहते हुए हुसैन आते मैं दाल से ये कहते हुए हसन के लाल कलाशा बिखर गया रन में अजीब दर्द के मंजर दिखाई देते हैं उठा के लाश कासिम हुसैन रोते हैं तड़प के अकबर पास से ये कहते हैं हसन के लाल कलाशा बिखर गया रन में मकाम शाद के मातम का शोर उठेगा दुल्हन के सामने आए कलाशा दूल्हा का अली का लाल जसब से कहेगा कह के बुका हसन के लाल कलाशा बिखर गया रन में हर एक काम पे सरवर के दिल पे है खंजर ये 9000 है बोले अली के होठों पर मैं अपनी बेट सके से कहूंगा ये जाके हसन के लाल कलाशा बिखर गया रन में नजर के सामने लाशा पड़ा है दिल भर का ख्याल आ गया शबीर को बरादर का फिदा बयान करे कैसे दर्द से वर का हसन के लाल कलाशा बिखर गया रन में बसी के मातम दर है हम देती है दुआ जैराम को बस के मातम दर है हम देती है दुआ जैराम को सखाए हरम के गम खारो सखे का मातम करते रहो बस के मातम दर Hussaina wa Hussaina wa
हसन का दिल पर मख्तल सजा रहा है, हासिम हसन का दिल पर मख्तल सजा रहा है, हासिम हसन का दिल पर मख्तल सजा रहा है, हासिम हसन का दिल पर मख्तल सजा रहा है, हासिम हसन का दिल पर मख्तल सजा रहा है। शबर कलाल रन में सजा के बन में, शबर का लाल रन में मैंने सजा के बन में, मैदान नैनवा को मैदान नैनवा को मैदान नैनवा को दुल्हन बना रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है। मेहंदी सी सरजमी को खाके शिफा बना के, मक्तल की सरजमी को खाके शिफा बना कर, मसनत बिछाओ जैना मसनत बिछाओ जैना मसनत बिछाओ जैना, कासिम वो आ रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है। दस अली से गोया तलवार चल रही है, दस अली से गोया तलवार चल रही है, मक्तल सजा रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है। फरवा की बेकमाई बेटे में मिल चुकी है, फरवा की बेकमाई बेटे में मिल चुकी है, कासिम तुम्हारा ज़ैना कासिम तुम्हारा ज़ैना तुम्हारा ज़ैनब टुकड़ों में आ रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है। मेहंदी जमाने वाले अब तक उठा रहे हैं, मेहंदी जमाने वाले अब तक उठा रहे हैं, इकबाल इस जहां को इकबाल इस जहां को इकबाल इस जहां को कासिम रुला रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है, कासिम हसन का दिल पर मक्तल सजा रहा है। या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा, पुरसा कबूल कीजिए पुरसा कबूल
कबूल कीजिए पुरसा कबूल। हाय हाय اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مقدر جب دورت